रांची वासियों से अपील है कि वह निश्चय ही वोट करें। मौसम की मार के बावजूद हम लोग घर से काम के लिए निकलते ही निकलते हैं। 99 जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी अपील जो है आम जनता में दूर से दूर तक पहुँचे। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पे सबकी निगाहें हैं और ख़ास करके झारखंड की बात आती है तो जेहन में कई तरह के सवाल आ जाते हैं। रांची में भी वोटिंग होना है, हमारे साथ SSP रांची हैं। सर, रांची में लोग भयमुक्त होकर मतदान करें और पोलिंग पार्टी समय से इलेक्शन बूथों पर पहुँच जाए, यानी कि कई मोर्चों पर पुलिस की जिम्मेदारी होती है। सर, इसको कैसे आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं सुरक्षा? देखिए, हम लोग की कई मीटिंग जो है वह चीफ इलेक्शन ऑफिसर सर के साथ हुई है, हमारे IG ऑप्स जो स्टेट पुलिस के नोडल ऑफिसर उनके साथ हुई है और हमारे सीनियर DIG IG के साथ हुई है। एक बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग के तहत बिल्कुल हर एक पक्ष का ख्याल रखा जा रहा है। पहला, कि आम जनता में विश्वास हो कि उन्हें कोई डरा नहीं सकता है, उन्हें कोई प्रलोभन नहीं दे सकता है, और अगर ऐसा कर रहा है तो अगर वो पुलिस को सूचना देंगे तो पुलिस बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही कैसे बूथ पर ले जाना है, कैसे पहुंचना है, उसकी भी प्लानिंग हो रही है। कितनी फोर्स मिलेगी, किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, इसके अलावे जो पहले से एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसके खिलाफ हम लोग जो है प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। बहुत सारे हेड्स में कार्रवाई हो रही है। हम लोग जो है जो अभियान चला रहे हैं, कोई भी सूचना मिल रही है तो हम लोग जो इलीगल वेपन भी सीज कर रहे हैं। तो पुलिस जो है मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अपना रही है और लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। आपके लेवल से खुद वोटिंग को लेके अपील भी की गई थी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने को लेके भी अपील आपने किया था, जो वोटर्स हैं वो मतदान तक पहुँचें लगातार, इसको लेके आप लोग कैसे पहल कर? देखिए, उसको लेकर स्वीप एक्टिविटी जो चलती है वो DC साहब के नेतृत्व में, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RO भी हैं उनके नेतृत्व में चल रहा है, पुलिस भी उसमें सहयोग कर रही है। और जहाँ भी हम लोग आम जनता से भी मिल रहे हैं उन्हें इस बात को जरूर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अवश्य वोट देने जाए। जैसे आज ही मैं जो हमारा सबसे दूरस्थ नक्सल क्षेत्र है आराहंगा, तो जो विजयगिरी कैंप से भी बहुत आगे वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर भी मुझे जो मुलाकात हुई, वहाँ पर काफ़ी ग्रामीण थे तो ग्रामीणों से बातचीत हुई, तो वहाँ पर भी लोगों से पूछा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बूढ़े ने मुझे अपना वोटर कार्ड निकाल के दिखाया, जो बड़े ही ने झोपड़ी नुमा घर था और बाकी चीज़ें बेतरतीब थी, लेकिन उसने वोटर कार्ड लपेट कर एक कपड़े में रखा था। हमने पूछा कि आपके पास वोटर कार्ड है, तो वो निकाल के दिखाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर ग्रामीणों से मैंने अपील किया कि आप जो है ज़रूर वोट के लिए आएँ, तो मुझे विश्वास है कि रांची में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है जो देखने को मिला है। 99 न्यूज़ भी लगातार यू से अपील कर रहा है और 30 तारीख को कार्यक्रम भी कर रहा है, 30 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भी आप क्या अपील करेंगे वोटर्स? मेरी रांची वासियों से अपील है कि वह निश्चय ही वोट करें। मौसम की मार के बावजूद हम लोग घर से काम के लिए निकलते ही निकलते हैं। वोटिंग के लिए शहरी क्षेत्र में आपको आधे घंटे की ज़रूरत है बूथ में लाइन लगने और पहुंचने में, और ग्रामीण इलाके में हार्डली कर थोड़ा दूर बूथ से 1-1.5 घंटा, इतनी दूर तो आप मौसम की मार झेल ही सकते हैं, मौसम से लड़ ही सकते हैं। और सुबह का समय, शाम का समय ऐसे भी बहुत मुफीद होता है, तो आम जनता से अपील है कि वो ज़रूर वोट करें। जो हमारे फर्स्ट वोटर्स हैं वो तो हमको लगता है उनमें उत्साह होगा ही, उनमें उत्सुकता भी रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा अपील की ज़रूरत हम नहीं समझते। लेकिन निश्चित ही है कि शहरी इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम होता है, तो सभी जागरूक मतदाताओं से अपील है अगर आप वोट देंगे तभी आप सरकार से कोई डिमांड रखने के लिए मॉरली इंटाइटल्ड हैं। 99 जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी अपील जो है आम जनता में दूर से दूर तक पहुँचे। तो इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर पुलिस महकमा सभी लोगों की कोशिश है कि वोटर्स अपने घर से मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुँचें और बड़ी संख्या में वोट करें। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।